प्रयागराज में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड पहुंच लिया जायजा। बता दें कि आगामी 21 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने संगम परेड क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उसके उपरांत में संगम तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती की। गंगा आरती के उपरांत प्रयागराज के नगर दरोगा लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वह ITCCC पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत उन्होंने इस विषय में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके दिशा निर्देश के विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। आने वाले सभी मेहमानों एवं अन्य गणमान्य लोगों की सुरक्षा में कोताही ना बरती जाए। इस अवसर पर प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मीडिया को बताया कि योगी आदित्यनाथ ने 21 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेकर कई दिशा निर्देश पारित किए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए होने वाले इस कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं शिरकत करेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों के तहत उन्हें महिला सशक्तिकरण के तहत तैयार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अन्य जनपदों से प्रयागराज पहुंचेंगे, सबसे पहले उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए एवं शहर में उनके रहने के लिए उचित एवं सुरक्षित व्यवस्था हो। इसके अलावा माघ मेला 2022 के लिए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2019 के तर्ज पर माघ मेले की तैयारियाँ होंगी, किसी प्रकार का कोई गंदगी ना हो एवं हर प्रकार से उचित प्रबंधन हो। घाटों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए व्यवस्था की जाए। इसके अलावा चुनाव का समय भी माघ मेला के समानांतर होगा, इसलिए मेले में लगाए गए सभी अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र से नहीं हटाया जाएगा। सभी प्रकार के माघ मेले की व्यवस्थाएं जैसे प्लाटून पुल, चकर प्लेट रोड, तंबू की व्यवस्था, पानी बिजली एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो और किसी प्रकार को उन्हें कष्ट ना हो। RT-PCR की रिपोर्ट के बिना मेला क्षेत्र में किसी को प्रवेश ना दिया जाए। बता दें कि LED लाइट के अलावा अन्य किसी प्रकार की लाइटों का इस्तेमाल नहीं होगा। 10 जनवरी तक पूरी तरीके से मेला क्षेत्र को बसा दिया जाए। किसी प्रकार का कोई कमी हो तो पहले से सुनिश्चित कर लिया जाए। इस बार इस कार्यक्रम की सबसे अनोखी बात यह होगी कि क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के लिए निर्दिष्ट किया गया हुआ कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था महिला पुलिस फोर्स के द्वारा सुनिश्चित की जाए, जिसमें महिला आरक्षी के अलावा NCC की महिला कैंडिडेट्स और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर महिलाओं के रहने एवं उनके खाने पीने एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्थाओं में महिला कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा तथा जिन बसों एवं अन्य संसाधनों से वे अपने अपने जिलों से प्रयागराज पहुंचेंगी, उसमें पुलिस की महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ एक एक पुरुष पुलिस सुरक्षा कर्मी कार्यरत होंगे। इसके अलावा प्रयागराज के सभी चौराहे में लगी मूर्तियों की विशेष रूप से साफ सफाई कराई जाएगी तथा प्रधानमंत्री के आगमन एवं कार्यक्रम स्थल पर आने वाली सभी प्रमुख सड़कों पर नारी सशक्तिकरण में प्रमुख योगदान देने वाली महिला कार्यकर्ताओं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग विशेष की हों और जिन्होंने महिलाओं के उत्थान एवं उनके सामाजिक अवस्था को मजबूत करने हेतु विशेष रूप से योगदान दिए की तस्वीरों एवं कट आउट गेट बनाए जाएंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए गिरीश चंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। 3 दिन की रिपोर्ट लेकर लोगों को 3 दिन से ज्यादा नहीं अंदर की रिपोर्ट लेकर आना पड़ेगा। जगह जगह कोरोना टेस्टिंग भी होगी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। बहुत ध्यान दिया जाएगा। 2 हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, कई हमारे जो है वो चेक जो CHC जैसा होता है
एक पीएचसी जैसा पीएचसीज भी बनाई जाएंगी जगह जगह पे, अलग अलग सेक्टर्स में पानी पीने की व्यवस्था। उन्होंने कहा एलईडी लाइट के अलावा कोई लाइट नहीं लगेगी, तो पूरा प्रबंधन है कि जो भी यहाँ आए वो यहाँ से खुश खुश वापस। सीएम तैयारियों से संतुष्ट नजर आए, क्या कहेंगे आप सांसद हैं यहाँ? पहला उन्होंने आज निरीक्षण किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी पूरे संतुष्ट नहीं होते जब तक वो पूरी व्यवस्था अपनी जगह पर आ नहीं जाती, उसको देख नहीं लेते। लेकिन हाँ, प्रगति उसकी उचित मुझे लगी, मुझे लगता है कि जो तैयारी की प्रगति वो सही है। हर साल जिस तरीके से तैयारी होती समझा जा रहा, हाँ 10 जनवरी तक उन्होंने डेट दी है, सारे काम 10 जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। और ख़ासतौर से कुछ बढ़कर कल्पवासियों के आने की संभावना है, तो उसके चलते जो व्यवस्था आवश्यक है वो सरकार कर रही है, किसी प्रकार का अभाव नहीं होने दिया जाएगा। ठीक, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर किस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, क्या कुछ कहा है? यह लाइट दीजिए करो, कार्यक्रम सफल हो, किसी प्रकार दीजिए करो भाई, कानून व्यवस्था से लेकर उस कार्यक्रम जितने भी आवश्यक पूरी सुनिश्चित किए जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। मंदिर में पूजन भी किया है, संगम भी गए थे, तो अच्छी बात है। जो अगर यहाँ आए थे और संगम का दर्शन न हो, मैं मानता हूँ कि आदमी जो इच्छा रहती है बिना उसके पूरी। यूपी चुनाव से पहले इतना बड़ा महाकुंभ कह सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, और मातृशक्ति का जो इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, क्या संदेश इससे निकलने वाला है? मातृशक्ति का सम्मान हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति का भाग है, और हमारा राष्ट्रवाद में विश्वास है, और सदैव से हमने मातृशक्ति का सम्मान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो उस दृष्टि से अगर पहले किसी ने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे कर रहे हैं, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य उत्तर प्रदेश का होता है। ये विपक्ष का ये कहना है कि ये जो है जो महिला शक्ति है जो यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, वो सम्मेलन जो है सिर्फ जो है छलावा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास और कोई विषय नहीं है, हर चीज़ उनको छलावा लगती है। मैं तो ये मानूंगा कि इस मातृशक्ति की इस महाकुंभ का वो दर्शन करें, और उससे प्रेरित होकर मोदी जी की भी प्रशंसा करें, योगी जी का आशीर्वाद लें। यूपी चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा प्रदेश में? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की है, 2022 में उससे ज़्यादा बहुमत लेकर हम भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सरकार। यूपी के कई इलाकों में, कई जगहों पर आज कई शहरों में सपा जो नेता हैं उनके ठिकानों पर, उनके घरों पर आईटी के छापे पड़े डलवाए जा रहे हैं। अब अखिलेश जी की इससे आपकी बात हुई होगी, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, और एक कानूनी प्रक्रिया है, कोई विभाग उसे कर रहा है, उसमें अखिलेश जी कोई अगर अन्यथा टिप्पणी करते हैं, मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, जिम्मेदार राजनेता रहे, इस तरह की टिप्पणी उन्हें नहीं करनी। चुनाव से पहले इस तरीके से कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, उससे चुनाव का क्या लेना देना है? अगर कोई चीज़ है, कहीं इवेजन है, कहीं आर्थिक अपराध संबंधित विभाग को दिखता है, तो उनका काम है इन्फोर्स करना, इन्फोर्समेंट किया होगा उन्होंने, जो सही होगा वो कार्रवाई की। दो बातों को लेकर, पीएम के दौरे को लेकर और माघ मेले को क्या दिशा निर्देश दिए गए? पीएम साहब का जो महिलाओं का कार्यक्रम है, उसमें जिन खासकर ये कहा गया है कि जो सुरक्षाकर्मी लगेंगी वो खासकर अंदर महिलाएं लगेंगी, साथ साथ महिला मोर्चा और जो विभिन्न मोर्चाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन मोर्चों की महिलाओं को भी अंदर लगाना है। एनसीसी की जो बच्चियाँ हैं जो बहुत कारगर हैं, उनको भी अंदर लगाना है, और उनके साथ जो बाहर से महिलाएं आ रही हैं उनके रहने की व्यवस्था, उनकी कोविड वैक्सीनेशन की देख लेना, उनका कोविड जांच की व्यवस्था, और साथ साथ उनके खाद्य सामग्री की व्यवस्था, और जहां महिलाएं ठहरेंगी वहां भी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, उसका उस पर एक होमगार्ड और एक महिला पुलिसकर्मी वहाँ भी देना है, और साथ साथ महिलाएं जब आएंगी तो उस पर बेहतर यहाँ पर जहाँ बस रुकेंगी वहीं पर खाने की सामग्री, वहीं पर उन्हें पीने का पानी, वहीं बेहतर साफ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले एक बड़ा स्वच्छता का कार्यक्रम करना है, जिसमें हमें सारी मूर्तियों का जो रूट है उससे अलग भी जितनी मूर्तियां हैं उनकी मूर्तियों की धुलाई, सड़क की पूरी सफाई, कूड़े की सफाई, एक स्वच्छता का एक पहले से मैसेज चला जाना है।
और महिलाएं जो आएंगी उनके लिए है कि उनको घर तक छोड़ना, और महिलाओं का कार्यक्रम है तो महिला ही पूरा तरह से देख रेख करेंगी उस कार्यक्रम का। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए इतने कार्यक्रम किए हैं, तो जो गेट बनेगा उस पर भी कहा गया है, एक बार इस पर भी गौर कर लिया जाए। किसी भी समुदाय की महिला हो, किसी भी धर्म जाति की महिलाएं अगर उत्कृष्ट कार्य किया है तो उन उत्कृष्ट कार्य करने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में बहुत सारी हैं, अपने समाज को परिवर्तित करने के लिए भी बहुत सारी महिलाएं, उनका भी गेट बनाकर उनका लगाया जाए, जिससे एक मैसेज जाना चाहिए कि महिलाओं ने अगर कुछ किया है तो फ्रंट पर आना चाहिए। माघ मेले को लेकर, माघ मेला स्वच्छता का है कि 2019 का जो माघ मेला हुआ था उसी तरह से मेला होना है। LED लाइट के अलावा कोई दूसरी लाइट नहीं लगेगी, और शौचालय बहुत बेहतरीन होने चाहिए, कोई भी शौचालय ज़मीन में गड़े हुए नहीं हो, सेफ्टी टैंक के साथ होने चाहिए, और रात्रकालीन सेफ्टी टैंक साफ़ हो जाने चाहिए, और पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो अभी DIG साहब ने बताया कि जो कैमरे पिछले बार लगे थे, इस बार और अच्छे कैमरे और ज़्यादा संख्या में लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवी संस्थाएँ हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ कोविड की वैक्सीनेशन वाली जो चीज़ें हैं, कोविड जांच की या वैक्सीन किसी को लगना है तो यहाँ 20-20 बेड के हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, और 72 घंटे पहले की रिपोर्ट भी लेकर आप एंटर कर सकते हैं। अगर किसी को वहाँ पर जांच के लिए, जो जितने द्वार बनाए जा रहे हैं 15 द्वार, उन 15 द्वार पे जांच की व्यवस्था भी रहेगी, और स्वच्छता जो हमारे वहाँ स्वच्छता कर्मी रखे जाएंगे वो स्वच्छता कर्मी के रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमारा मैसेज 2019 भी स्वच्छता था, और हमारा मैसेज इस बार भी 2021 है वो भी स्वच्छता ही, 22 है वो भी स्वच्छता ही रहेगा। तो इस तरह से देखते हुए, और विशेष महिलाओं के चेंजिंग रूम में बोला गया है कि चेंजिंग रूम ऐसा बना हो जिसमें महिलाएं को कोई असुविधा ना हो, और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम के साथ साथ महिलाओं के स्नान के लिए VVIP जब आएंगे तो वो जो कोई पर्व होगा उस पर VVIP की एंट्री नहीं है, पर्व के एक्स्ट्रा दिन पे VVIP की एंट्री है, तो उनके लिए भी व्यवस्था।